ऑयली है, अगर आपकी भी ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो आपको जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। इसका टेक्सचर अल्ट्रा लाइट वेटेड है, इट इज फ्रेग्रेंस फ्री। हल्दी आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करने में अच्छा होता है। अगर आपका फेस डल है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें स्क्वालेन है जो आपकी स्किन के एक्ने को ट्रीट करता है। इसे लगाने के बाद स्किन काफी ब्राइटन अप हो जाती है, हेल्दी लगती है। इसे आप रात में सोते वक्त यूज कर सकते हैं टू लॉक अप द हाइड्रेशन। अगर आपको अपना थोड़ा पैसा बचाना है तो स्क्रीन पे आपको कोड दिख रहा होगा BBLUSH20।
इस कूपन कोड से आप 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं उनकी वेबसाइट से शॉपिंग करने पर। गाइस इस प्रोडक्ट की डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगी, आप चेकआउट करना मत भूलना, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। अभी तो गर्मियां चल रही है ना, तो ये आपकी स्किन में बहुत अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन किसी भी प्रोडक्ट को अप्लाई करने से पहले पैच टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। ओके लेट्स मूव ऑन टू द हैक नंबर 2, जिसमें द इंटरनेशनल एक्ट्रेस एंड द ब्यूटी क्वीन प्रियंका चोपड़ा बता रही है एक ओपन फेस मास्क बनाना, जिसमें उन्होंने यूज किया है होल व्हीट फ्लावर, टर्मरिक, लाइम जूस, योगर्ट एंड रोज वाटर। इन सबको उन्होंने अच्छे से मिक्स किया है एंड देन अपने फेस पे लगाया है। सो देखते हैं कि उनका हैक वर्क करता है या नहीं। मेरा ये ओपन फेस मास्क बनके रेडी है, अब हम इसे अपने फेस पे लगाएंगे एंड देखेंगे कि ये पास होता है या फ्लॉप होता है। वैसे तो मैंने बहुत सारे DIYs बनाए हैं, लेकिन मैंने कभी होल व्हीट फ्लावर का यूज नहीं किया है। ओके सो मैं पीली हुस्न ए मालिका लग रही हूँ, जैसे न्यूली ब्राइड्स को उपटरने लगाया जाता, मुझे वैसे ही वाली फीलिंग आ रही है। सो इसे हम रहने देंगे अराउंड 10 to 20 minutes, जब तक ये सूख नहीं जाता, और उसके बाद जल्दी से वॉश कर लेंगे एंड आई विल बी राइट बैक। ओके गाइज आई हैव वॉश्ड माई फेस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये काफ़ी आसान रेमेडी है। सारी चीज़ें घर में मिल जाएंगी, लाइक आटा, हल्दी एंड दही, एंड सबको आपको मिक्स करना है और उसे अपने फेस पे लगाना है। ऑलवेज पैच टेस्ट आपको ज़रूर करना है जो भी चीज़ आप फेस पे लगाते हैं, क्योंकि आपका फेस बहुत ही प्यारा है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा केयर की नीड होती है। प्लीज़ इग्नोर द ठुक ठुक, क्योंकि पीछे वाले घर में काम हो रहा है। वैसे जब आप उपटन लगाते हो तो उसका रिजल्ट होता है वो आपको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या फिर नेक्स्ट डे ज्यादा पता चलता है। तो अभी मेरा फेस थोड़ा सा ब्राइटन अप हो गया है, सो आई विल गिव दिस हैक, क्योंकि काफी यू नो इजी पीजी हैक है, काफी बजट फ्रेंडली हैक है, तो मैं ऐसे दूंगी 1 second 10 on 10। नेक्स्ट हैक है, जानवी कपूर ने बताया है, वो अपने फेस पर 3 ingredient फेस मास्क लगाना पसंद करती है, जिसमें होता है मैश्ड बनाना, हनी एंड योगर्ट। इन सब चीजों को वो अच्छे से मिक्स करती है एंड देन लगाती है, और फिर उनका फेस बहुत ही मॉइस्चराइजिंग और अच्छा हो जाता है। तो आई विल मेक द सेम फेस मास्क एंड देखते हैं कि ये हैक होता है हिट या फ्लॉप। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही रनी कंसिस्टेंसी का फेस मास्क है, ये फेस पर लगेगा नहीं, आई थिंक स्लिप हो जाएगा, तो इसे लगाना काफी मुश्किल है। देख सकते हो आप पूरा मनाना स्लिप हो रहा है। मनाना क्या होता है? बनाना होता है। मीठा मीठा लग रहा है। जानवी कपूर का ये हैक तो काफी मैसी है, लगाने से ज्यादा ये मेरे फेस से टपक रहा है, बनाना टपक टपक के मेरा पूरा फ्लोर मैसी हो गया गाइस। आफ्टर 5 minutes मैंने ये अपना प्यारा से चेहरा वॉश कर लिया है एंड यू नो व्हाट, 5 मिनट से ज्यादा मैं इसे रख ही नहीं सकती थी, क्योंकि ये मेरे फेस से ऐसे टप 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 पिघल रहा था। अगर आप टिप टॉप होना चाहते हो तो आप इसे ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके चक्कर में आप फ्लिप फ्लॉप भी हो सकते हो। जानवी कपूर का ये हैक अच्छा तो है, बट ये बहुत ज्यादा मैसी है। अगर आप ढंग से पैक को लगा ही नहीं पाओगे तो इसके क्या बेनिफिट ले पाओगे। तो इसी चक्कर में बजाय बनाना और दही और क्या कहते हैं शहद को लगाने से आप उन्हें खा जाए, तो मैं इस हैक को दूंगी 6 on 10। नेक्स्ट हैक है हमारी बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित का। उन्होंने क्या किया है, कुकुम्बर लिया है, उसे स्लाइसेस में कट करे, उसमें दूध ऐड किया है थोड़ा सा, और उसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिया है, और अपने फेस पे इस तरीके से लगाना है। आई डोंट थिंक सो ये टिकेगा मेरे फेस पर। ओके गाइस सो अब मैं आ चुकी हूँ अपने बेड पे, क्योंकि ये तो ऐसे फिसल जाएगा, इसे मैं इसे ऐसे लेट के लगाऊंगी। तो चलो लगाते हैं। ये तो अभी भी गिर रहा है भाई, टिक जा। वो फेस पैक है, क्या फेस पैक जिसे फेस पे ही ना लगे, ये तो लगने का नाम, मुंह में चला गया। गाइज ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो माधुरी दीक्षित के इस हैक को मैं दूं देना चाहूंगी 3 on 10। सॉरी माधुरी जी। नेक्स्ट हैक बताया है हमारी बेबी डॉल सनी लियोनी ने। वो कहती है एक ग्लोइंग स्किन के लिए एलोवेरा से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। एलोवेरा को लगाने का सही तरीका है फ्रेश एलोवेरा प्लांट करें,
उसे तोड़े एंड उसका ये गूदा निकाल के डायरेक्टली अपने फेस पे लगाए फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड वॉश कर ले। उसके बाद आपकी स्किन बेहद ग्लोइंग और अच्छी हो जाएगी। मैंने भी निकाल लिया है ये गुई एलोवेरा, तो चलो ये भी ट्राई करते हैं। वाओ, लगाने में ये बहुत ठंडा लग रहा है और मेरे को एलोवेरा जेल बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लिया। इसे मैं 5 मिनट तक रहने दूंगी और उसके बाद वॉश कर लूंगी एंड आई विल बी राइट बैक। गाइस, सनी लियोनी के इस हैक ने वाकई में कमाल कर दिया। मेरा फेस काफी फ्रेश लग रहा है, रिफ्रेशिंग लग रहा है एंड एट द सेम टाइम टाइट भी लग रहा है और ग्लो भी आ गया है। मुझे एलोवेरा लगाना अपने फेस पे बहुत पसंद है। कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको भी पसंद है। सो इस हैक को मैं दूंगी 10/10। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत मजेदार लगा होगा। मुझे ये सारे हैक्स ट्राई करने में बहुत ही मजा आया। और ये भी बताना कमेंट सेक्शन में कि इन सारे हैक्स में से सबसे अच्छा और सबसे बेकार कौन सा हैक लगा। टिल देन टेक केयर, बाय।